हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 16x² + 1x² दिस इज इक्वल्स टू 4। आपको 64x³ + 1x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है 64x³ + 1x³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 64 को लिख सकता हूँ 4³ एंड x³, बिकॉज 4³ हमारा 64 ही हो जाएगा। 4³ मतलब 4 × 4 × 4 एंड 4 4 = 16 एंड 16 4 = 64 प्लस, स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1³ / x³। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास a^m b^m, दिस इज इक्वल्स टू a^b^m। तो स्टूडेंट्स जब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करूंगा तो हमारे पास आएगा 4x^3 प्लस, एंड स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है a^m/b^m, दिस इज इक्वल्स टू a/b^m। तो स्टूडेंट्स जब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पर करूंगा तो हमारे पास आएगा 1/x³। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं 4x को a बोल दूं, देखिए 4x को मैंने पुट करा a एंड 1/x को मैंने पुट करा स्टूडेंट्स b, तो हमारे पास यहां पर आएगा a³ + 1/x की जगह कितना आएगा स्टूडेंट्स b³। अब आपको पता है कि a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a³ + b³ की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास a+b² + b² - ab। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 4x, यहाँ पर आएगा 4x प्लस बी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, वो है 1/x, तो यहाँ आएगा 1/x ब्रैकेट स्टूडेंट्स ए, ए की जगह कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स 4x, तो यहाँ आएगा 4x² प्लस स्टूडेंट्स बी, बी की वैल्यू कितनी है 1/x, तो यहाँ आएगा 1/x² माइनस ए, ए की जगह कितना आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 4x एंड बी, बी की जगह कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/x। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर होगा। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास आएगा 4x + 1/x ब्रैकेट क्लोज्ड, स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड x² प्लस इधर 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/x² x से ये x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा -4। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से 16x⁴ + 1x² इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, 16x² + 1x² की जो वैल्यू थी वो 4 थी। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा हमारे पास देखिए 4x + 1x, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा इस पूरी क्वांटिटी की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ जाएगा 4 - 4। नाउ देखिए 4x + 1x, 4 - 4 इज 0 एंड 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 4x + 1x, देन वी गेट 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 60x³ + 1x³, इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।